तो बड़े बड़े राजा थे, लेकिन दशरथ जी के घर में ही भगवान ने अवतार क्यों लिया? दशरथ जी के घर में अवतार इसलिए लिया कि दशरथ जी का कुल परम वैष्णव कुल है। प्रारंभ काल से, इक्ष्वाकु मनु के काल से इस कुल में जितने हुए सब भगवान के परम भक्त हुए। यहां तक कि महाराज इक्ष्वाकु को ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान नारायण की वो दिव्य मूर्ति श्री रंगनाथ भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई, और इक्ष्वाकु के काल से लेकर दशरथ जी के काल तक रंगनाथ भगवान की पूजा इस कुल में होती चली आई। अयोध्या में बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन वो जितने राजा थे सब केवल नाम के राजा थे। अयोध्या में अनादिकाल से अगर कोई राजा रहा है तो भगवान ही रहे हैं, उन्हीं का राज्य रहा। राजा तो केवल प्रतिनिधि बनते थे। जब इक्ष्वाकु को अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ तो रंगनाथ भगवान को लेकर के आए और उनको विराजमान किया। रंगनाथ भगवान ही अयोध्या के नाथ और राजा, और बाकी जितने राजा हुए उनकी सेवा करते और राज्य का कार्य संचालित करते। मूल रूप से राजा तो भगवान ही। और जब वही रंगनाथ भगवान त्रेता युग में श्री राम के रूप में मानवाकृति में प्रकट होकर के राजा बनने को तैयार हुए, तब रंगनाथ भगवान ने कहा अब इस रूप में हम राजा रहेंगे, अब हमको यहां से ले चलो। तब रंगनाथ भगवान को श्री विभीषण जी महाराज लेकर के लंका जाने लगे। रंगनाथ भगवान लंका नहीं गए, कावेरी नदी के मध्य में दक्षिण भारत में तमिलनाडु में वहीं विराजमान हो गए। फिर राम जी राजा बने, और राम जी के समय में भी राम जी के राजा बनने के पहले भरत जी के राजा बनने की घोषणा तो हुई, लेकिन वह 14 वर्ष का काल जो था उस काल में भी राम जी ही राजा थे, क्योंकि सिंहासन पर राम जी की ही पादुका विराजमान करके भरत जी ने राज्य किया। अयोध्या में सदा राम जी का ही राज्य रहा। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। राम जी सदा अयोध्या के राजा हैं, और श्री राम जी के पावन जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। भगवान श्री राम वहां विराजमान हुए। राम जी की जन्मभूमि के साथ साथ अयोध्या में अन्य 3 भाइयों की जो जन्मभूमि है उसका भी उद्धार होना है। कभी आपका ध्यान गया इस बात पर कि भाई लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इनका जन्म अयोध्या में कहां हुआ? क्योंकि एक ही घर में, जिस महल में मां कौशल्या रहती थी, वहां तो राम जी का प्राकट्य हुआ, और उसी प्रसूतिकागार में महारानी केकई और सुमित्रा ने भी पुत्र को जन्म दिया, ऐसा तो नहीं है। उनके अलग महल, इसलिए भैया भरत की जन्मभूमि और शत्रुघ्न और लक्ष्मण की जो जन्मभूमि है उस जन्मभूमि पर भी भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि राम जी अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानम चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम रूपम। भगवान श्री राम परमात्मा पुरुषोत्तम। महर्षि वाल्मीकि ने
राम जी के पावन चरित्र को लिखा। महर्षि वाल्मीकि एक दिन अपनी कुटिया में बैठे थे, देवर्षि नारद आए। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का स्वागत किया, पूजन किया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर् मुनिपुंगवम। एक दिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद पधारे। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया और नारद जी से प्रश्न किया, जिज्ञासा की। जब जिज्ञासा होती है तभी ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो लेकिन कोई जिज्ञासु नहीं है तो उसका ज्ञान तरंगायित नहीं होता है। जिज्ञासु होना चाहिए। इसीलिए जहां कहीं भी आप कथा में श्रवण करोगे, कथा की शुरुआत जिज्ञासा से ही होती है। राजा परीक्षित भी सुखदेव भगवान से जिज्ञासा करते हैं कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं। क्या? बोले पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यही पूछा। स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहियद्वा विपर्ययम्। राजा परीक्षित ने कहा स्मर्तव्यं, किसी का स्मरण करना चाहिए। भजनीयं वा, अथवा कोई भजनीय है उसका भजन करना चाहिए। ब्रूही यद्वा विपर्ययम्, अथवा इसके अतिरिक्त कुछ और करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये हमारी जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए सुखदेव जी कथा सुनाने लगे, ज्ञान गंगा प्रवाहित हो गई। ये ज्ञान गंगा शब्द बड़ा पवित्र है, लेकिन आजकल एक व्यक्ति ने इस ज्ञान गंगा शब्द को ही दूषित कर दिया। ज्ञान गंगा नाम की एक किताब छाप करके एक महामूर्ख ने, जिसका नाम क्या है अरे नाम रहा हरामपाल, हरामपाल का राम जी का पवित्र नाम ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ना भी अपराध है। ज्ञान गंगा बाहर है। ज्ञान गंगा तो रामायण गीता भागवत से प्रवाहित होती है। रामायण गीता भागवत वेद जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, अपौरुषेय ग्रंथ वेद हैं, उनसे ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। अन्यत्र ज्ञान नहीं है, ज्ञानाभास है। ज्ञान और ज्ञानाभास में अंतर होता है। जहां ज्ञान न हो लेकिन ज्ञान का आभास हो, ज्ञानाभास है। जैसे बालू में चमकती हुई बालू को, रेत को देख करके चांदी का आभास होता है, चांदी चमक रही है। रजत का आभास है, रजत नहीं है। रस्सी को देख करके सर्प का आभास होता है, वहां सर्प नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसी को भ्रम कहा जाता है। रज्जौ यथा हेर भ्रम। तो ज्ञान तो वेदों के द्वारा ही प्रवर्तित होता है, और वेदों के अनुकूल जो रामायण गीता भागवत 18 पुराण आदि हैं, इनके द्वारा विशुद्ध ज्ञान का विस्तार होता है। तो ज्ञान गंगा तब प्रवाहित होती है जब जिज्ञासा। परीक्षित ने जिज्ञासा की और सुखदेव जी सुनाने लगे। भगवती पार्वती ने जिज्ञासा की, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा।
सकल लोक जग पावनी गंगा, ज्ञान गंगा प्रवाहित हो गई। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क जी से पूछा और जब याज्ञवल्क जी से पूछा तो याज्ञवल्क जी कथा सुनाने लगे और ज्ञान गंगा प्रवाहित हो गई। जिज्ञासा अगर न हो तो बिना जिज्ञासा के ज्ञानोपदेश करने पर वह ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए वेदांत में भी सबसे पहले जिज्ञासाधिकरण आता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा हुई तब जिज्ञासाधिकरण में विचार किया और तब आगे उसका उत्तर देने लगे। तो देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने जिज्ञासा की कि मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो सर्वगुण संपन्न हो और जिनके क्रोध करने पर देवता भी डरते हों, ऐसा पुरुष कौन है? कोन्वस्मिन् साम्प्रतम् लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। साम्प्रतम् इस समय गुणवान पुरुष कौन है? कोन्वस्मिन् साम्प्रतम् लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्, और वो वीर्यवान भी हो, धर्मज्ञश्च वो धर्मज्ञ भी हो, कृतज्ञश्च कृतज्ञ भी हो, सत्यवाक्यो दृढव्रतः, सत्यवाक्य हो, सत्यवादी हो, दृढव्रत हो। अगर व्रत ले लिया है तो उस व्रत से वो विचलित न हो। व्रत माने नियम, जिस नियम को ले लिया उस व्रत से वो विचलित न हो, दृढ़व्रत। इसके साथ साथ चारित्रेण चको युक्त, जो चरित्रवान हो, और चरित्रवान के साथ साथ सर्वभूतेषु को हिता, समस्त भूतों का, समस्त प्राणियों का जो हितैषी हो, सर्वभूतेषु को हिता, विद्वान, और वो विद्वान भी, और विद्वान के साथ साथ समर्थश्च, समर्थ हो। समर्थ का मतलब जो सब कुछ कर सके, सब प्रकार का सामर्थ्य जिसके अंदर हो, समर्थश्च। सब प्रकार का सामर्थ्य तो केवल भगवान में ही है। इन एक एक गुणों की चर्चा जो वाल्मीकि जी ने नारद जी से की है, पूछा है, इन एक एक गुणों को अगर देखा जाए तो ये केवल भगवान में ही घटित हो सकते हैं और किसी प्राणी में नहीं होते। चारित्रेण चको युक्ता, जो चरित्रवान हो, संसार में चरित्रवान कुछ लोग मिल जाएंगे, कुछ लोग मिलेंगे, लेकिन वो पूर्ण चरित्रवान है इसका निर्धारण तो तब होगा कि कोई ऐसी ज्ञान विज्ञान की मशीन हो, अथवा कोई ऐसा ज्ञानी है जो उसके मन को भी पढ़ ले, कभी मन से भी उसके अंदर विकार उत्पन्न न हुआ हो, तब न पूर्ण चरित्रवान है। और समाज के भय से, लोक की लज्जा से, अपनी वासनाओं का दमन करके जो चरित्रवान का खिताब लेकर के घूम रहा है, उसको कितना बड़ा चरित्रवान कहें? ठीक है, होना भी चाहिए, इतना चरित्र तो होना ही चाहिए, समाज का भय हो, लोक की लज्जा, लेकिन अंतःकरण से उसकी प्रवृत्ति कभी दुष्चरित्र की ओर न गई हो, ऐसा प्राणी कौन हो सकता है? ऐसा प्राणी संभव नहीं।
मन भी जिसका कभी असत कर्म में प्रवृत्त न हो, मन में असत संकल्प ही ना आए, ये हुआ चारित्रेण चको युक्तः, जो चरित्र से युक्त हो। ऐसा कौन है? ऐसे राम जी चारित्रेण चको युक्त। सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह कह समर्थश्च, जो समर्थ हो सब कुछ कर सके, सामर्थ्य जिसके अंदर हो। कश्चैक प्रिय दर्शन, जिसका दर्शन सबको प्रिय हो। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो सबको प्रिय लगता हो। कितना भी अच्छा हो, कितना भी ज्ञान हो, विज्ञान हो, लेकिन उसको भी गाली देने वाले इस दुनिया में मिल जाएंगे। उसको भी गाली देने वाले मिल जाएंगे, और कितना भी वो सुंदर हो, गुणवान हो, लेकिन उसको देखकर सामने वाले को, सभी व्यक्ति को वो प्रिय लगे, सबको अच्छा लगे, सबको सुख हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं हो सकता। ऐसे तो राम जी केवल है। कश्चैक प्रिय दर्शन, एकमात्र प्रिय दर्शन अगर कोई है तो राम जी हैं, जिनका दर्शन सबको प्रिय। यहां तक कि राम जी के जो शत्रु हैं उनको भी राम जी प्रिय लगते हैं। खरदूषण आया पंचवटी में, सूर्पणखा की नाक कट चुकी थी। सूर्पणखा ने जाकर के कहा मेरा नाक कान उन तपस्वी ने काट लिया। खरदूषण को बड़ा क्रोध आया, बोले किसने काटा? बोले भले नाक कान काट लिया है, लेकिन फिर भी सूर्पणखा कहती है जिन्होंने काटा है बड़े सुंदर हैं। अब लो बड़े सुंदर हैं क्यों? बोले प्रिय दर्शन, राम जी का दर्शन सबको प्रिय है। जिसकी नाक काटी गई, नाक कट गई, और जिसने काटा और जिसके कहने पर काटा, वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? बोले उसकी तरुणाई सूर्पणखा के हृदय में बस गई। खरदूषण ने पूछा किसने नाक कान काटा? जो चरित्र करके आई थी सूर्पणखा, उस चरित्र को अपनी, उस दुर्भावना को, दुर्वासना को अपने भाई से ही कहने में उसे लज्जा नहीं आई। और सूर्पणखा ने कहा तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनाम्बरौ। तरुणौ रूप संपन्नौ, जिसने मेरे नाक कान को काटा है वो तरुण है, बूढ़े नहीं है, शिथिल नहीं है, तरुण है। रूप संपन्नौ, रूप संपत्ति से संपन्न है, जिनकी रूप संपत्ति अतुलनीय है, ऐसे तरुणौ रूप संपन्नौ। और केवल रूप संपन्न ही नहीं है, सुकुमारौ, बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल हैं, बड़े, आज की भाषा में क्या कहा जाए, बोले सॉफ्ट हैं, बड़े मुलायम हैं। सुकुमारौ महाबलौ, अरे बड़े बलशाली भी हैं। सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ, और उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं, पुंडरीक के समान, कमल के समान। पुंडरीक विशालाक्षौ, पुंडरीक विशालाक्षौ कहती हुई सूर्पणखा मानो राम जी की भगवत्ता का वर्णन करने लगे। पुंडरीक के समान नेत्र केवल भगवान के। पुंडरीक माने कमल, इसीलिए भगवान का नाम पुंडरीकाक्ष है। कमल नयन, कमल लोचन, सारे शास्त्रों को आप पढ़ लो, 18 पुराण, महाभारत, रामायण,
सभी देवी देवताओं का वर्णन मिलेगा और सभी देवी देवताओं के अंग प्रत्यंग का वर्णन अनेक उपमाओं के द्वारा व्याख्यायित किया जाता है। लेकिन किसी भी देवता के आंखों का जब वर्णन होता है तो कमल से उपमा नहीं आती है। कमल के समान नेत्र केवल भगवान की। राजीव लोचन, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक नयन, बाकी अन्य देवताओं के लिए विरूपाक्ष, त्रिनेत्र, अनेकानेक उपमाएं हो जाती हैं, लेकिन कमल के समान नेत्र हैं ये केवल भगवान के लिए ही प्रयोग होता है। कमल ने सूर्पणखा भी कहती पुंडरीक विशालाक्ष, जिनके नेत्र पुंडरीक के समान हैं, कमल के समान। चीर कृष्णा जिनाम्बरो, और जिन्हो बलकल वस्त्र धारण करते हैं, चीर वस्त्र धारण करते हैं, तो सूर्पणखा भी भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन करती है। अर्थात भगवान सूर्पणखा को भी प्रिय लगते हैं। कश्चैक प्रिय दर्शन, जो वाल्मीकि जी ने पूछा नारद जी से कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबको प्रिय हो, तो वो कौन है, बोले वो राम जी। करदूषण ने कहा चलो देखते हैं किसने तुम्हारा नाक कान काटा है, बताओ मैं उसे मार डालूंगा। सेना लेकर के खरदूषण दोनों भाई आए, साथ में त्रिसरा नाम का राक्षस आया, और जब खरदूषण ने दूर से ही देखा राम जी को, तो राम जी का दर्शन तो सबको प्रिय है, कश्चैक प्रिय दर्शन, तो राम जी को देख करके खर और दूषण दोनों भाई विचार करने लगे कि हम तो इनको मारने आए थे, लेकिन इनको देखने के बाद अब मारने का मन बदल गया, अब मारने का मन नहीं करता। क्यों, बोले इतने सुंदर हैं, इतने मनोहर हैं, इनको मारने का मन ही नहीं करता, ऐसे सुंदर व्यक्ति को कैसे मारें। उनकी भावना बदल गई महाराज, ऐसी सुंदरता भगवान की। खरदूषण को भी प्रिय लगे, और खरदूषण ने यही कहा कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बद लायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि इन्होंने मेरी बहन को कुरूप बनाया, लेकिन इतने सुंदर हैं कि इनको मारने का मन नहीं करता। कश्चैक प्रिय दर्शन, वाल्मीकि जी कहते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबको प्रिय लगे। कश्चैक प्रिय दर्शन, आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूयक। जो आत्मवान हो, आत्मवान का मतलब जिसने अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को और अपने बाह्यकरण को, जिसने अपने वश में किया हो, वो आत्मवान। हम आप आत्मवान नहीं हो पाते। बुद्धि हमारी है, लेकिन हमारी बुद्धि ही हमारे अनुकूल नहीं रहती। मन हमारा है, लेकिन मन ही हमारे अनुकूल नहीं रहता। चित्त हमारा है, लेकिन वो हमारे अनुकूल नहीं रह पाता। आत्मवान का मतलब जिसका मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां सब कुछ अपने वश में हो, जो पूर्ण रूप से आत्मवान हो जाए। आत्मवान का यही मतलब है, आत्मवान को जितक क्रोध, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया। क्रोध को जीतना बड़ा कठिन है, सामर्थ्य होने पर भी जो अपने क्रोध को जीत ले,
सच पूछो तो असमर्थ व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि असमर्थ व्यक्ति के क्रोध का कोई परिणाम नहीं होता। लेकिन भले अपने अंदर दम नहीं है, खम नहीं है, लेकिन क्रोध व्यक्ति करता है। एक चींटी को भी आप परेशान करो तो वो चींटी भी क्रोध में आपको काट लेती है, भले उसके काटने से कुछ ना हो, लेकिन क्रोध तो होता है। चींटी काटती क्यों है? बोले चुपचाप अपने रास्ते जा रही हो, आपको थोड़ी काटेगी। लेकिन आपने उसे डिस्टर्ब किया, उसे लगा कि हमारे ऊपर खतरा है, तो अपने क्रोध के अनुसार वो अपना काम कर लेती, भले उसके क्रोध का कोई परिणाम न हो। लेकिन क्रोध तो यथार्थ में समर्थ व्यक्ति का क्रोध ही क्रोध है, अर्थात समर्थ व्यक्ति जब क्रोध करता है तो उसके क्रोध का कोई परिणाम निकलता है। भगवान के विषय में वाल्मीकि जी कहते हैं, आत्मवान को जितक क्रोध हो, जो आत्मवान हो और जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो, जीत लेने का मतलब कि उसको कभी क्रोध आएगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं। क्रोध को जीत लेने का मतलब कि क्रोध हमारे हिसाब से आवे, जब हम चाहें तब आवे, जब हम चाहें न चाहें तो ना आवे। आत्मवान को जितक क्रोध हो। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे, जिसके क्रोध करने पर देवता भी डरते हो, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता। इतना बड़ा प्रश्न महर्षि वाल्मीकि का नारद जी से हुआ, और इन प्रश्न में जो जो विशेषताएं, जो जो बातें वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछी, ये सब विशेषताएं केवल भगवान में संभव हैं और किसी में संभव नहीं। क्योंकि नारद जी ने यही कहा कि हे मुनिवर, ये त्वया कीर्तिता गुणाः बहवो दुर्लभाश्चैव, बहवो इन बहुत से गुणों का जो आपने वर्णन किया, और ये बहुत से गुण और साथ में है कैसे, बोले दुर्लभाश्च, बड़े दुर्लभ है। बहवो दुर्लभाश्चैव, ये बहुत सारे गुण और दुर्लभ गुण जो सब किसी में हो नहीं सकते, ये त्वया कीर्तिता गुणाः, जिन गुणों का आपने वर्णन किया, इन गुणों से युक्त पुरुष कौन है, मैं उसका वर्णन करने जा रहा हूं। तैर युक्त श्रूयताम नरः, इन गुणों से युक्त जो पुरुष है उसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं। यहां पर नारद जी ने जब ये कहा तैर युक्त, इन गुणों से युक्त जो पुरुष है, तो तैर युक्त का अर्थ आचार्यों ने यही अनुभव किया है कि इन गुणों से भगवान सदा युक्त रहते। बोले ये कौन सी बड़ी बात आपने कह दी, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात के द्वारा परमात्मा के निर्गुण होने की जो चर्चा लोग करते हैं, परमात्मा सर्वथा निर्गुण है, भगवान निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है, और जो गुण भगवान में दिखाई पड़ते हैं वो आगंतुक हैं, समय पर आते हैं, सर्वदा नहीं रहते हैं। निर्गुणवादियों का यही सिद्धांत है। निर्गुणवादी कहते हैं भगवान तो तत्वतः निर्गुण है, उनमें कोई गुण उण नहीं है, और निर्गुण निराकार अखंड चैतन्य है, तो बाकी गुण उनमें कैसे आ गए? बोले वो गुण आगंतुक हैं, सृष्टि के कार्य के लिए, लीला के लिए,
और वो गुण आते भी हैं तो माया के कारण आते हैं। इसीलिए निर्गुणवादियों का सिद्धांत है, निर्गुणवादियों के सिद्धांत में ईश्वर भी माया से अवच्छिन्न है, माया से युक्त होने पर ही वो ईश्वर कहलाता है। क्यों? बोले तभी उसमें ये सारे गुण दिखाई पड़ते हैं माया के संबंध के कारण, तब ये सृष्टि इत्यादि का कार्य पालन संहार आदि क्रियाएं होती हैं। तो वो गुण माया के कारण, माया के संबंध के कारण है, ऐसा कहते। परंतु वैष्णव जनों का, भक्तों का, भगवत अनुरागी जनों का यह सिद्धांत है कि ये भगवान में सारे गुण सदा विद्यमान रहते हैं, आगंतुक नहीं। तैर युक्तः, इन गुणों से भगवान सदा युक्त रहते हैं। श्रूयताम नरः, ऐसे नर के विषय में सुनो, और वही सुनने के लिए हम आप सब बैठे हैं यहां। तैर युक्त श्रूयताम नरः, इन गुणों से युक्त जो नर हैं उन्हीं को सुनने के लिए हम आप सब बैठे हैं, और सारी दुनिया उन्हीं को सुनना चाहती है। वो कौन है? बोले वही प्रभु श्री राम है, वही भगवान श्री राम है। जानकी कंठ भूषण भगवान श्री रघुनंदन। नारद जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु के वंश में जो उत्पन्न हुए, ये इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए शुरुआत यहां से नारद जी करते। ये भी कह सकते थे कि रघु के वंश में जो उत्पन्न हुए, दिलीप के वंश में जो उत्पन्न हुए, भगीरथ के वंश में जो उत्पन्न हुए, और भी बड़े बड़े प्रतापी राजा थे महाराज, मानधाता के वंश में जो उत्पन्न हुए, महाराज ककुस्थ के कुल में जो उत्पन्न हुए, जिनको काकुस्थ कहा जाता है। लेकिन ये सब न कह करके नारद जी ने शुरुआत कहां से की? बोले इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु के वंश में जो उत्पन्न। क्यों? बोले इक्ष्वाकु, इक्ष्वाक का मतलब होता है, इक्षु माने गन्ना, गन्ने को क्या कहते हैं? ईख। और वाक माने वाणी, इक्ष्वाक, इक्ष्वाक माने गन्ने के समान मीठी वाणी जिसकी हो उसको कहते हैं इक्ष्वाक। और ऐसे इक्ष्वाक के कुल में राम जी प्रकट हुए, इक्ष्वाक वंश प्रभवो, अर्थात इक्ष्वाक की वाणी में जो मधुरता है वह प्रभाव पूरे वंश में है। और राम जी की वाणी कितनी मधुर है? बोले गन्ने के रस में उतनी मिठास नहीं होगी जितनी मिठास राम जी की वाणी में। कितनी मिठास है राम जी की वाणी में? गोस्वामी जी महाराज कहते अमृत से भी ज्यादा मीठी वाणी। बोले अमृत से मीठा क्या हो सकता है? बोले अमृत से भी मीठा होने का मतलब, बोले किसी जिंदे प्राणी को अमृत पिला दो तो मरेगा नहीं, लेकिन जो मर गया उसके ऊपर अमृत डाल दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन भगवान की वाणी तो अमृत से भी ज्यादा मीठी है। अगर मुर्दा सामने पड़ा हो और राम जी बोल दें और राम जी की वो मधुर मीठी वाणी, अमृत से भी ज्यादा मीठी वाणी उस मुर्दे के कान में चली जाए तो मुर्दा भी उठ करके बैठ जाए। मृतक जिया मरी गिरा सुहाई, मृतक जिया मरी गिरा सुहाई,
रावण रंद होई और जब आई मृतक जियावन मेरा सुहाए। ऐसी मीठी वाणी पीयूष मिष्ट वचनाय परात्पराय, पीयूष मिष्ट वचनाय अमृत से भी ज्यादा मीठी जिसकी वाणी हो, ये राम जी की वाणी की विशेषता है। और ये विशेषता क्यों, बोले ये इक्ष्वाकु के कुल में प्रकट है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो, नाम क्या है, बोले राम। नारद जी कहते हैं राम रामो नाम, बोले राम तो हमारे मोहल्ले में एक रहता उसका भी नाम राम है। आपके गांव में भी कितने लोग राम नाम के होंगे, किसी का नाम राम होगा, किसी का नाम राम प्रसाद होगा, कोई का नाम, किसी का नाम राम मिश्र होगा, किसी का नाम राम दुबे होगा। तो कौन से राम, तो नारद जी कहते हैं रामो नाम जनई श्रुतः, जन जन की जिह्वा पर जिनका नाम रहता वो राम। मोहल्ला वाले राम नहीं, पता नहीं किसका किसका नाम राम हो जाता है, कोई भी नाम राम रख, लेकिन कहते हैं वो राम। रामो नाम जनई श्रुतः, जन जन में जिनकी चर्चा होती, जन जन की जिह्वा पर जिनका नाम, वो राम। रामो नाम जनई श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो, जो नियतात्मा है महापराक्रमी है, द्युतिमान धृतिमान वशी, जो वशी है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को, अपने चित्त को, मन को अपने वश में किया। और वशी, वशी का मतलब जिन्होंने अनंत अनंत जीवों को अपने वश में कर रखा है, ये माया भी जिनके वश में है। और दूसरा अर्थ वशी का बड़ा मधुर अर्थ, वशी जो अपने भक्तों की भक्ति में प्रसन्न होकर, अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर, भक्तों के प्रेम को देखकर भक्तों के वश में हो जाते हैं, वो वशी। वशी नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी, जिनको भक्त अपने वश में कर लेते हैं, जिनको कोई वश में कर नहीं सकता। यद्यपि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन उनको भी भक्त अपने वश में कर लेते हैं। और इस बात को जो स्वीकार करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के सामने, दुर्वासा जी भगवान के सामने आए, कथा है महाराज भगवान के परम भक्त अम्बरीश, राजा अम्बरीश को दुर्वासा जी ने शाप दे दिया क्रोध में। अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया था, यमुना के तट पर रुके थे, उसी समय दुर्वासा जी आ गए 60,000 शिष्यों को लेकर। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को सवेरे सवेरे पधारे दुर्वासा जी 60,000 शिष्यों को ले, बोले राजन आज एकादशी का पारण तुम्हारे यहां ही होगा। महाराज अम्बरीश ने कहा हमारा सौभाग्य होगा आप जैसे महात्माओं को पारण करा करके, भोजन करा करके हम प्रसाद लें, हमारी तो एकादशी व्रत, हमारी एकादशी का व्रत सफल हो गया। क्यों, बोले एकादशी हरिवासर है, और हरि की भक्ति का फल, भगवान के भक्ति का फल क्या है, बोले भगवान के भक्तों का दर्शन। राम ते अधिक राम कर दास,
हमारी तो एकादशी सफल हो गई, आपका दर्शन हुआ, आपको पारण करा करके हम तब भोजन करेंगे। दुर्वासा जी ने कहा हम स्नान करने जा रहे हैं, संध्या वंदन करने जा रहे हैं। दुर्वासा जी गए संध्या वंदन करने और जमुना जी में संध्या वंदन करते करते विलंब हो गया। इधर पारण का समय जा रहा था, बीत रहा था। राजा अम्बरीश ने विचार किया मेरे एकादशी का फल नष्ट हो जाएगा समय से पारण नहीं किया तो, और उधर वचन दिया है दुर्वासा जी को आपको पारण कराएंगे तब हम भोजन करेंगे। धर्म संकट उपस्थित हुआ, आचार्यों से ब्राह्मणों से पूछा क्या करें। ब्राह्मणों ने कहा भगवान का चरणामृत लेकर के पारण कर लो, चरणामृत लेकर के पारण कर लो, तुलसी दल लेकर के भोजन मत करो, जब दुर्वासा जी आ जाएंगे तो उनको भोजन करा करके भोजन कर लेना, उनका भी मान रह जाएगा और व्रत का पालन भी हो जाएगा। राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों की आज्ञा मानी और चरणामृत तुलसी दल लेकर के पारण कर लिया। दुर्वासा जी पहुंचे और आते ही उन्होंने पूछा राजन तुमने पारण किया। तो अम्बरीश ने सोचा अब महात्मा से तो कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, और वैसे भी रघुकुल के अम्बरीश महाराज जिस कुल के हैं, सत्यवादियों का कुल, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज अम्बरीश ने कह दिया कि हाँ हमने तो पारण कर लिया। अब तो दुर्वासा जी को क्रोध आया, दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट कर दी, मार दो इस राजा को, इस राजा ने मेरा अपमान किया। कृत्या प्रकट हो गई और कृत्या राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ पड़े, तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म कर दिया। कृत्या को जब भस्म कर दिया सुदर्शन चक्र ने, सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे दौड़ पड़ा। अब दुर्वासा जी भागने लगे और चक्र ने जब दुर्वासा जी को दौड़ाया तो दुर्वासा जी पूरे ब्रह्मांड में भागते रहे, कहीं शरण नहीं मिली, अंत में भगवान के पास पहुंचे। भाजोती सा दिशा सब लोके लोक पाले गए, भागोती सा दिशा सब लोक लोक पाल पाय, नयो तेज चक्र जो ब्रह्मा शिव कही है, कही तुम देव पूरी, ब्रह्मा शिव कही है, कही तुम देव दूरी, दास नहीं को वेद नहीं जानो वेद धारे है, असनन को वेद नहीं जानो वेद धारे है। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा शंकर इंद्र सब के पास गए दुर्वासा, लेकिन कहीं भी दुर्वासा जी की रक्षा नहीं हुई। अंत में भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने भी दुर्वासा जी को सांत्वना नहीं दी, अपितु भगवान ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बोले महाराज ये चक्र आपका है। भगवान ने कहा चक्र भले मेरा है लेकिन मैं चक्रपाणी होकर के भी अपने भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इवद्विज। भगवान ने कहा मैं भक्त के अधीन हूं, भक्त मुझे अपने वश में कर लेते हैं। दुर्वासा जी के सामने भगवान ने स्वीकार किया अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं।
तो जो अपने भक्तों की भक्ति से समर्पण से प्रसन्न होकर अपने आप को ही अपने भक्तों को दे दे और भक्तों के वश में हो जाए उसका नाम वशी। ये वशी की व्याख्या है। और ये कहते हुए देवर्षि नारद ने भगवान के 68 गुणों का वर्णन किया है। अब एक एक गुण की व्याख्या हो तो यही कथा हो जाती है। भगवान के एक एक जो गुण हैं, वशी बदान्यो गुणवान ऋजुस्सुचि मृदुर दयालुर मधुरस्थिर समः कृति कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्त कल्याण गुणामृतो दधि। ये श्लोक भगवत पाद श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज के द्वारा अनुग्रहित आलवंदार स्तोत्र का ये श्लोक है। हमारे श्री संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में आलवंदार स्तोत्र को वेदों का सार माना जाता है। त्रय्यंतार्थम सुदुर्ग्रहम स्त्रोत्रयामास योगिंद्र स्त्रम वंदे यामुना भयम। यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज ने वेदत्रयी के रहस्य को एक स्तोत्र में निबद्ध किया और उस स्तोत्र का यह एक श्लोक जिसमें जितने भाव अभी तक हमने कथा में कहे एक घंटे में वो सब भाव एक श्लोक में। बसी वदान्यो गुणवान ऋजुस्सुचि मृदुर दयालु मधुर स्थिर समः कृति कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्त कल्याण गुणामृतो दधि। ये समस्त कल्याण गुण जो हैं इन गुणों के भगवान उदधि हैं, समुद्र हैं। और कैसे बोले स्वभावतः, ये सारे गुण स्वभावतः भगवान में विद्यमान है, कहीं से आए नहीं है, तैर युक्तः। जो महर्षि नारद ने कहा तैर युक्तः, इन गुणों से भगवान सदा युक्त रहते हैं, उसी बात को श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं स्वभावतः, ये सारे गुण स्वभावतः भगवान में सदा विद्यमान रहते। इस प्रकार भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को संक्षेप में राम कथा सुनाई। राम जी के जन्म से लेकर राज्याभिषेक पर्यंत राम जी का वनवास, रावणादि असुरों का संहार और फिर भगवान का अयोध्या आगमन और राम जी का राज्याभिषेक और फिर राम राज्य का वर्णन। राम राज्य का वर्णन करने के बाद नारद जी कहते हैं हे वाल्मीकि मुनि, ये मैंने जो राम कथा सुनाई संक्षेप में, ये बड़ा पवित्र है, मात्र 100 श्लोकों में, बस 100 श्लोक। नारद जी कहते हैं इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम। ये बड़ा पवित्र है आख्यान, पुण्यम और पुण्य को देने वाला है, पुण्यम पवित्रम पापघ्नम समस्त प्रकार के पाप का नाश करने वाला है, वेदैश्च सम्मितम और वेद के समान है। ये रामायण वेद के समान है, वेद पढ़ने का जो फल वही रामायण पढ़ने का फल, वेद सुनने का जो फल वही रामायण सुनने का फल, और वेदों के द्वारा जिसका वर्णन होता है उसी का वर्णन रामायण के द्वारा होता है। वेद के द्वारा किसका वर्णन होता है, बोले ब्रह्म का, परमात्मा। रामायण के द्वारा भी ब्रह्म परमात्मा श्री रघुनंदन का वर्णन। नारद जी कहते हैं इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यह पठेद रामचरितम। इस रामचरित को जो पढ़ता है
यह पठेद रामचरितम सर्व पापई ही प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता। राम जी ही पतित पावन नहीं है, देखो राम जी तो पतित पावन है ही, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, राम जी पतित पावन है और राम जी के जो भक्त हैं वो भी पतित पावन होते हैं। राम जी तो पतित पावन है ही, लेकिन राम जी के भक्त बोले वो भी पतित पावन है। बांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो भगवान के भक्त हैं वैष्णव हैं वो कौन है? बोले